सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शहर राजनीति और गुंडागर्दी की राजधानी है, अत्याचारी तानाशाही और स्मगलिंग का टाउन है धनराज। वाओ, आज का एग्जाम बढ़िया लिखा मैंने, तो डाउट है। दिन दहाड़े अत्याचार करने वाले धनराज का इकलौता बेटा है ये युवराज। Your micro comes with a high performance CCI Express dotting card. एग्जाम के बाद हिचकियाँ मुझे आनी चाहिए, तुम्हें कैसे आ गई? रुको, पानी लेकर आती हूँ। ये पानी लेने गई है तो अब तक क्यों नहीं आई? मैं देखकर आती हूँ। मेरी फ्रेंड दिव्या को मार डाला, उन्हें मत छोड़ना सर, प्लीज उन्हें मत छोड़ना प्लीज। सीपी तू आएगा, मुझे पता था, मैं लड़कियों के साथ ही नहीं बॉल के साथ भी खेलता हूँ। मैं तुम जैसे क्रिमिनल्स के साथ तुझे पता है मेरे फादर कौन है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुसकर मेरे ही बेटे को मारते हो? मेरे बारे में जानते हो तुम या जानने आए हो? ए, तेरी इस नालायक औलाद को और तेरे चरित्र को सारा शहर अच्छी तरह जानता है। तुम्हारी हरकतें हद से ज्यादा घिनौनी है, हर तरह की सजा भुगत चुके हो। पुलिस से अब और कितनी बार बचोगे तुम? नॉट एनी मोर। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। चल मैं। धनराज की गलतियों पर नजर रखते हुए सिटी पुलिस एक्ट के तहत दोषी धनराज को यह अदालत गुंडागर्दी के इल्जाम में सेक्शन 22 के मुताबिक इस शहर से तड़ीपार करती है। शहर में प्रवेश करने के लिए उसे हर बार अदालत से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही एक महीने के अंदर धनराज के सारे गलत कारनामों की तहकीकात करके इस अदालत में पेश करने का आदेश एसीपी श्याम सुंदर को दे दी। It's for you, Daddy. तुमने मांगा था ना? कैसा लगा? It's a fantastic, Daddy. वैसे मम्मी क्यों नहीं आई? संध्या, one second. Hello, Ma. Hi, dear. कैसे हो बेटा?
हेलो श्याम जी, कैसे हैं? हेलो सिस्टर, मैं ठीक। मोक्ष को जल्दी भेज दीजिए, क्लास का समय हो गया है। ओके। जल्दी आ जाओ। कम ऑन चिल्ड्रन, टाइम इज ओवर, क्लास में चलो चलो चलो। नेक्स्ट टाइम माँ और सबको लेकर आना। प्रॉमिस। बाय डैडी। बाय। डैडी। हाँ? भूल गए आप? क्या हुआ? हग। डैडी। मोक्ष। डैडी। मोक्ष। डैडी। बचाओ। डैडी। डैडी। रुको। सीपी, अगर अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो जहाँ बताता हूँ वहीं आ जाओ, बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। धनराज, धनराज! अरे सीपी, रुक क्यों गया, और ऊपर आ जा। धनराज, देर कर दी तूने। अगर एक मिनट पहले आता तो जलने से पहले अपने बेटे को आखिरी बार देख लेता। मुझे कम से कम मेरे बेटे की लाश तो मिल गई थी, तुझे वो भी नसीब नहीं होगा। क्या? थोड़ा आगे जाके नीचे तो देख। इतने में ही छोड़ दूंगा तू सोच रहा होगा। फर्स्ट टारगेट इज ओवर, सेकंड टारगेट तेरी बेटी। आई एम सॉरी श्याम, ये सुनकर बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करूं सर? मेरे बेटे की मौत की खबर सुनकर मेरे घर वाले टूट जाएंगे, उन्हें ये सच नहीं बता सकता सर। तो क्या तुम रिजाइन कर दोगे? फिर से धनराज का सामना करूंगा तो अपनी बेटी को भी खो बैठूंगा। तुम गलत हो श्याम, हमारे हाथों में बंदूक क्यों देते हैं? उसे दिखाकर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए, लेकिन कभी कभी अनजाने में हम खुद उस बुलेट के बलि हो जाते हैं। मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, लेकिन हमें ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई थी सर, लेकिन कातिल ने उसे दुश्मनी में बदल दिया। और देखिए सर, कोर्ट ने उसे तड़ी पार किया तो मेरे बेटे को उसने दुनिया से बाहर कर दिया। जनता की रक्षा के लिए हम लोग हैं सर, लेकिन हमें बचाने के लिए कौन आएगा? कोई आएगा बचाने? जरूर आएगा, पूरी दुनिया की रक्षा वो भगवान करता है। तो आज से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी होगी। कौन हो तुम? मुझे क्यों मार रहे हो? ऊपर पहुंचने से पहले मेरे बारे में जानकर क्या करोगे तुम? छोड़ दो मुझे। कुछ साल बाद जब मैं वहां पहुंचूंगा तब बताऊंगा। हेलो,
अभी तो काम शुरू किया है मैंने। क्या नशीला छोकरा है ना, उसकी हाइट भी चाकू जितनी है। इसका तो सातवां बर्थडे है ना, फिर भी भिंडी जैसा लगता है। अरे वो कैसा भी है तुझे क्या? सूखा हम नहीं, तुम्हारा दिमाग सूखा है। हमारा जन्म हुआ है फरवरी 29 को और अब मैं 28 साल का हो गया हूँ। 4 साल में एक बार बर्थडे मनाता हूँ और ये हमारा सातवां बर्थडे है। कैसा तो आपका ये मानना है? और हमारा मानना यह है कि आप जाकर खाना खाइए। खाना खाने नहीं आए, फिर वापस आइए ना। कोई बात नहीं, एनीवेज मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फूल तो बहुत सुंदर है, हमें बहुत पसंद है। और नहीं तो क्या, देर हो गई तो ऐसे ही दिखेंगे ना। खरीद के लाए हो, उठा के लाए हो? नो नहीं, इसके पहले दो तीन लोगों को देने के बाद तुझे दे रहे हैं, क्योंकि वो पसंद नहीं आए। तो हम पसंद आया हूँ। यस, वो हमने फिक्स कर लिया है। फरवरी 29 को पैदा हुए आप ही हमारी बेटी के लिए बिल्कुल सही वर है। तो फिर मैं बाहर निकालूंगा। अरे मंगलसूत्र कर रहे हैं। अभी नहीं, पहले अपने माँ बाप को बुलाइए। सॉरी वो नहीं है। फोन करके बुला सकते हैं? वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता। वहाँ वो अब नहीं रहे क्या? ये लावर इसका कोई नहीं है, चलो। पैसा है। दीदी खुश रहेंगी बेटा। आप जल्दी मत कीजिए, पहले देखने दीजिए। मेरी बेटी आपको? नहीं, आपकी बेटी हमको। क्या मैं हो गई हूँ, मैं खोई खोई क्यों रहती हूँ, ये मुझे क्या हो गया है। वाना बॉयफ्रेंड राइट नाउ, ख्यालों में उसके मैं रहती, आहें मैं उसके ही भरती, उसके दीदार को तरसू, आस्किंग फॉर बॉयफ्रेंड राइट नाउ। मैं हो गई हूँ कैसे कैसे कैसे, मेरे दिल का राजा है जो, न जाने कब आएगा वो, मेरे सपनों में आता है जो, न जाने कहाँ पे रहता है वो, वो। मेरे दिल का राजा है जो, न जाने कब आएगा वो, मेरे सपनों में आता है जो, न जाने कहाँ पे रहता है वो, 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 वो। क्या मैं हो गई हूँ कैसे कैसे कैसे, मेरे दिल का राजा है जो, न जाने कब आएगा वो, मेरे सपनों में आता है जो, न जाने कहाँ पे रहता है वो, 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 वो। सपनों के राजा जल्दी आना, आने में अब देर लगा, दिल है मेरा अब बेकरार, ओ महाराजा मेरे पास आ जा। मेरे सपनों के राजा जल्दी आना, आने में अब देर लगा, दिल है मेरा अब बेकरार, ओ महाराजा मेरे पास आ जा। 6 feet height वाला, 6 pack body वाला, Hollywood model जैसा वो होगा, megawatt current जैसा आँखों में हो चमक वैसा, muscles उसके strong होंगे दमदार वो, दमदार वो। दोनों की बनेगी जोड़ी, बन जाएंगे हम जोली, वो बनेगा मेरा हमदम, मैं बनूंगी उसकी दुल्हन। कैसे क्या मैं हो गई हूँ कैसे कैसे, मेरे दिल का राजा है जो, न जाने कब आएगा वो, मेरे सपनों में आता है जो, न जाने कहाँ पे रहता है वो, 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 वो। हम ले चलता हूँ, खूब एंजॉय करेंगे, खूब मजा आएगा। अरे ऐसी मैंने देख लिया, चल रहे। Yeah!
औरतों, इंट्रोडक्शन देना बड़ा मुश्किल हो गया है। हे रुक रुक, ये बड़ी जल्दी में है, इससे बता के तेरे पास आता हूँ। तुम ब्रूसली को जानते हो? कुंग फू फाइटर। जैकी चैन। ओनली फाइटर। मैं ब्लडी फाइटर हूँ, बिना हाथ लगाए खून निकाल दूंगा। अच्छा, जा रहे। अरे भाई, ये तो हाथ बंद के सबकी पिटाई कर रहा है। देवा, आपकी सिक्योरिटी के लिए। अंजलि, अंजलि, अंजलि। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, अरे मैं भी तेरे साथ चॉकलेट खाऊंगा, देना। अब तो पूरा बदन शुगर फैक्ट्री है, फिर भी पोती से चॉकलेट खाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। शाम, शाम, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये चोट कैसी है? वो तो वह क्या हुआ डैडी? बेटी संध्या, बाहर आओ। अरे ये फ्रैक्चर कैसे हुआ? इसलिए मैंने कहा था पुलिस की नौकरी ठीक नहीं है। देखा आपका डर सच हुआ। छोटा सा एक्सीडेंट था संध्या, टेंशन क्यों लेती हो? देवा सर, मैंने बताया था ना, इन्हीं के प्यार ने मुझे कमजोर बना रखा है। मम्मी नमस्ते, माँ जी। डैडी नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी वाइफ संध्या, माय डॉटर अंजलि। ये हमारा डॉगी लियो है। डैडी, देवा हमारी सिक्योरिटी के लिए यहीं पर रहेगा, आउट हाउस में ले जाइए। ठीक है, चलो बेटा। यही है आउट हाउस। हाँ। अंदर एक गोल मटोल सा होगा, उससे डरना मत। क्यों? वो कुछ ज्यादा ही बकबक करता है। मतलब? अरे अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है, अपने को बड़ा स्मार्ट समझता है। ओहो। ऑफ करके मशीन पे वॉक कर रहा है वो। हाथ में नहीं है क्या? ए, बहुत ज्यादा बोल रहा है। कौन है ये? क्या है कि वो मैं तुमसे पूछा क्या? इससे पूछ रहा हूँ, टाइगर को ये सब पसंद नहीं है। टाइगर? वो कौन है? ए, इधर देख, टाइगर एप्पल राय स्टिल वर्जन। ए, किधर देख रहा बे? ये हमारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए है। सिक्योरिटी? हाँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए है तो ये लो। लीव लेटर है क्या? नहीं, रेजिग्नेशन लेटर। ओ, डिपार्टमेंट बदल रहे हो? ये बात नहीं है। ये रहेगा तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं रहूंगा तो फिर ये क्यों? एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती। मतलब एक केज में दो टाइगर नहीं रह सकते? बात नहीं करने दोगे? ठीक है, बैठ के बात करो, हम सुनते हैं। ये ऐसे ही बकबक करता रहेगा, मैं चलता हूँ। चलता हूँ बोल के अकेला क्यों चला गया? मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। बेकार में ही उसे लेटर। बेकार का लेटर वापस ले सकते हैं। वैसे गुरुजी, टाइगर आपका सरनेम है या? अपनों का प्यार से दिया नाम है। वो कैसे? मेरे दादा ने एक टाइगर को मारा। तो आपके डैडी ने दूसरे को मारा होगा? नहीं, उस टाइगर ने मेरे डैडी को मारा। उस टाइगर को मार देते? मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। हाँ। टाइम खराब था, वो भाग गया और मैं यहाँ भाग गया। फैमिली इमोशन में आप एक बात भूल रहे हैं। वो क्या है? फैन स्विच ऑन कर दो। अरे जो तुमने ऑन किया वो फैन स्विच नहीं है, ट्रेडमिल का स्विच है। अरे अरे, ये क्या गुरुजी, इतने थक गए? सॉरी सॉरी, नहाने के लिए गर्म पानी रखता हूँ। हे महा, इसके एंट्री में मेरा यह हाल है तो एग्जिट तक जिंदा बचूंगा क्या? ओफो, ये क्या, तू अभी तक सोई नहीं? चलो निकलो। प्लीज मम्मी, 5 मिनट्स। ओनली 5 मिनट्स, ओके? सुनिए, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो जो आया हुआ है ना, वो सिक्योरिटी वाला नहीं लगता, सेंट्रल जेल से भागा हुआ लगता है। संध्या, देवा का खाना भेज दिया तुमने? आप भी ना, उससे आपके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हो, ये ठीक नहीं है। हाँ संध्या, हाँ
नाइट गुरुजी। ए क्या है, बड़ी जल्दी सो रहे हो, उठो और जा। आप नहीं सोएंगे गुरुजी? टाइगर कभी सोते हैं क्या? इंसान सोते हैं। ए, काउंटर अटैक कर रहा है क्या? चलो कोई हॉरर मूवी देखते हैं। क्या गुरुजी, आप हॉरर मूवी भी देखते हैं क्या? क्या गुरुजी, आप हॉरर मूवी भी देखते हैं क्या? मैं सिर्फ हॉरर मूवी ही देखता हूँ। गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है। पागल, मेरे होते हुए डर कैसा? मैं दिखाता हूँ ना तुझे। आप तो दिखा देंगे गुरुजी, उसके बाद मेरा क्या होगा? ए, ए, ओ, नहीं गुरुजी, मुझे छोड़ दीजिए, माफ कीजिए। क्या छोड़िए ना गुरुजी, क्या डर से मुझे आ जाएगा। उठ बोला, मैं नहीं देखूंगा। कोई मैं देखता हूँ। साउंड से ही डर गया बेचारा, फिल्म देख लेगा तो सुसु निकल जाएगी। ए ए, बहुत बढ़िया सीन है, देख थ्रिलिंग है। देखना मेरी बात को सुन। ये क्या उठेगा, मेरी बात सुन के ही लमलेट हो गया, सुबह होने से पहले भाग जाएगा। टाइगर सोते नहीं है क्या? तेरी तो कोई डर नहीं, आ जा। अरे बाप रे, रोज रोज अपना खून पी के थक गया हूँ, कल किसी और का ट्राई करूंगा। इसे खून पीने की आदत भी है क्या? इससे दूर ही सोना बेहतर होगा। वापस आने तक मम्मी को सताना मत। बाय बाय मम्मी, बाय बाय। हेलो, ड्राइविंग जानते हो? जो शूट नहीं करता वो रिवॉल्वर नहीं पकड़ता, जो ड्राइविंग नहीं जानता वो स्टेयरिंग नहीं पकड़ता। चलो बैठो अंदर। जिसके बाल नहीं होते वो कंघे नहीं करता। मेरी हिम्मत मत आजमाओ, अपना काम करो। ठीक है चलिए। बेल्ट तो पहन लो। ऑलरेडी पहनी है मैंने। पैंट की बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट। हेलो, बेटर यू माइंड योर सेल्फ। स्टॉप प्लीज, मुझे खींचो। इसीलिए बोला था सीट बेल्ट पहनने को। ए, कौन हो तुम? मरने के लिए यही गाड़ी मिली थी? लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। हेलो, ये छोकरी मरने नहीं आई है, चढ़ने आई है। इसका नाम आईकी है, बेबी की फ्रेंड है। मर्जी चढ़ने के लिए, सिटी या स्कूल बस नहीं है। ये छोकरी चढ़ेगी, ये मेरा फैसला है। अगर नहीं चढ़ाऊं तो यहीं उतर जाऊंगा। सीरियसली? क्यों, तुम्हें कोई शक है? मेरी बात को मजाक में ले रहा है। देख उतर गया ना। बाय गुरुजी। ये कैसा ट्विस्ट कर दिया इसने? कोई बात नहीं, हम किसी और को पकड़ते हैं, आखिर कॉलेज भी तो जाना है। हाय, आई एम जी बालाजी, मास्टर इन साइकोलॉजी, आपको ड्रॉप करूंगा जी। ऑलरेडी उसने ड्रॉप किया है, हो सके तो लिफ्ट दे दो। लिफ्ट का मतलब उठाना है ना जी? नहीं, ड्रॉप करने का मतलब गिरा देना, लिफ्ट करने का मतलब चढ़ाना है जी। पहले लिफ्ट दीजिए। ठीक है चढ़िए ना। विद ड्राइव मैं करूंगी। जरूर आइए आइए। बेल्ट पहन लीजिए सर। पहले से पहने हुए हैं। सेम आंसर, ये बेल्ट नहीं सर, सीट बेल्ट। उसकी आदत नहीं, आदत डाल लीजिए, अच्छा होगा सर। प्लीज चुप रहिए आप, चलिए। क्या हुआ बेटा, उन्हें छोड़ के आ गया तो गुस्सा हो तुम? आंखें बंद करके जो पसंद है उन्हें याद करो, गुस्सा चला जाएगा। मैं जानती हूँ।
अंजलि। जाओ। आके दीदी तुम पहले आ गई ना? Yes, I was. मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। तुम्हें चॉकलेट दिए बिना कभी कॉलेज गई हो क्या? ये ले चॉकलेट। थैंक यू दीदी। तुम लिफ्ट नहीं दोगे तो मुझे कोई और लिफ्ट नहीं देगा क्या? ये अगर हाँ कह देना तो पूरे देश के लड़कों की लाइन लग जाएगी इनके लिए। या क्यों? एक लड़की के हाथों हार गई इसलिए पछता रहे हो क्या? आंखें बंद करके जो पसंद है उसे याद करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है दीदी। ये लो दीदी चॉकलेट। थैंक यू। हाय शैलू, ये लो चॉकलेट। चलो बच्चों क्लास का टाइम हो गया। बेबी की साइकोलॉजी का है? बड़ी बेबी की या छोटी बेबी? छोटी बेबी का। सभी को एक एक चॉकलेट देके आपस में बहुत खुश हो रही है वो। इसे फ्रेंडशिप कहते हैं। चलो। ये क्या है? फ्रेंडशिप। ओ थैंक यू। फ्रेंडशिप ये क्या? ऐसी चॉकलेट देके हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो? बेकार फिलोसफी है तुम्हारी। ओए हमको डांटो, हमारी साइकोलॉजी को नहीं। फर्स देख के सबको सही बताने वाला महान आर्ट है साइकोलॉजी। इतनी महान है क्या? ठीक है उसका फेस देख कर बताओ कैसा आदमी है वो। उसकी एक इडियट साइकोलॉजी है और किक भी उसकी साइकोलॉजी है। का समझे नहीं? अरे उसे डांटो या मारो सोचेगा नहीं, रिएक्शन भी नहीं देगा। अब पैर पकड़ के सॉरी बोलने की साइकोलॉजी है उसकी। रियली? हिम्मत है तो प्रूव करके दिखाओ। या करो। अरे यहाँ आपने मुझे बुलाया क्या? तुझे ही बे। हाँ हाँ बोलिए। अब जा, अब जा बे। सॉरी सर, सॉरी भैया, आपका माफ कर दो। ये चीज क्या है मैं खुद नहीं समझ पाया, तू क्या समझेगा बे, इतना सा है। चल अब कुछ नहीं हो सकता, वो पेस्ट की तरह घुस के फेविकोल की तरह चिपक गया है। उसे किस तरह घर से बाहर निकाले हम? आइडिया। क्या है? हम उसे भूत बन के डराए तो? हम दोनों भूत बने ये बात तो ठीक है, लेकिन अंकल तो पहले से ही भूत जैसे दिखते हैं। देवा को कम मत समझो, वो भूत से भी बड़ा भूत है, डरावना भूत है वो, पीछा करके मारेगा। तो फिर क्या करें हम? पिलानी होगी। ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम लोग नहीं, मैं पिलाऊंगा। ए यूजलेस फेलो, वो काम छोड़ो, मेरे लिए एक पैक बनाओ। अकेले ही पियेंगे गुरुजी? हाँ, लफंगों के साथ पीने की आदत नहीं है। मैं पीता हूँ। वैसे लफंगे ही सोलो पीते हैं, शरीफ साथ बैठकर पीते हैं। डॉक्टर जवाब देने में कम नहीं हो। पैक बनाओ, जल्दी आओ ना, ग्लास अच्छी तरह से धोया ना? पूरी तरह। हाँ। पैक ओके है ना गुरुजी? यस। गुरुजी, हाँ, आपकी मेरे बारे में राय क्या है? सच बोलूं या झूठ बोलूं? दोनों छोड़ के बीच की बोल। अरे कैसे बोल सकता हूँ, ऐसा प्रश्न मत करो, कोई आसान प्रश्न करो ना। ठीक है, आपको देखते ही छेद वाला सिलेंडर याद आता है, बिल्कुल गोल मटोल। अरे इतना सच कैसे बताया तुमने? नौकरी कैसे मिली आपको? स्पोर्ट्स कोटे में। कौन से स्पोर्ट में? क्रिकेट। आप क्रिकेट जानते हैं? ये कैसा सवाल पूछ लिया? अरे क्रिकेट किंग हूँ मैं। क्यों देखते हैं या खेलते हैं? दिमाग खराब है क्या? खेलता हूँ रे। ठीक है गुरुजी, दोस्ती में एक और सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे ना? पीते पे सब फ्रेंड हो जाते हैं, पूछो ना। ठीक है ना, ठीक एक है। ओवर में कितने बॉल होते हैं? एक ओवर में कितने बॉल होते हैं ये पूछ रहे हो? बेवकूफ कहीं के, छह बॉल नहीं सिर्फ। वो कैसे? सिर्फ एक ही बॉल छह बार डालते हैं। अच्छा गुरुजी, आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? फील्डिंग रे। कैच पकड़ते हैं? खोलियो बाप रे, कैचर है आप। एक और पेक लेके आते हो भाई। ये लीजिए गुरुजी पकड़े। क्या कैच है, ये भी पकड़े। गुरुजी ये लीजिए। हाथ में क्या है? अंगूर। अंगूर। ये हुई ना बात, कैसा चमत्कार है गुरुजी, क्या पकड़ते हैं आप, कैच हो रही हो बॉम्ब में। ऐसे ही नौकरी दे दी है। आइए एक पेक और मारते हैं। वाह क्या टैलेंट है, कमाल है गुरुजी। गुरुजी गुरुजी चीयर्स। दूसरी बार कुछ भी पकड़ लेंगे गुरुजी आप। या ये क्या है? एक उंगली से छटाक से कैच करता हूँ। ये क्या है बताता हूँ? ये इसमें क्यों डाल रहे हो भाई? अब बुलेट को कैच करो। अबे बुलेट, अबे बुलेट है, बॉल है, अबे पकड़ो, नहीं ना अभी पकड़ो,
कौन है? कहाँ छुप गया है तू टाइगर? टाइगर बापरे बापरे, मैं यहीं पर हूँ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। तेरे लिए और एक बैग बनाओ। नहीं बनवाऊंगा, नहीं बनवाऊंगा, खुद ही बनाऊंगा। मैं असिस्टेंट हूँ ना। कहाँ होगा, कहाँ होगा, पर नालायक मैं हूँ, मैं हूँ। आप ऑफिसर हो, मैं असिस्टेंट हूँ। तुम्हारा बेकार हरकतें करेगा? नहीं करूंगा। बोलना मत, चल अब सोते हैं। डैडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहूँ? बोलो बेटी। मैं आंख बंद करके साइन कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं? कर सकता हूँ। तो फर्स्ट मैं करूँगी। ओके, हाथ बढ़ाइए। वेरी गुड, अब आपकी बारी। आंख बंद कीजिए। अब कीजिए साइन। यहाँ पर, यहाँ पर। क्या कर रहे हैं आप? ये दिन ब दिन बड़ी चालाक होती जा रही है। अब क्या हुआ संध्या? ये इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जानता हूँ, ये जानकारी साइन किया है। इसके मार्क्स देखे आपने? सारे सी ग्रेड है। ऊपर से आप इसको सपोर्ट? कोई बात नहीं सर, बच्ची तो है। सुनिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। बाहर वालों को बाहर ही रहकर अपना काम करने को बोलिए, हमारे बीच इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं। सॉरी देवा। कोई बात नहीं सर। सर सर, ये कार धोने के लिए गई थी ना? ओह, उस कार में जाएंगे क्या? जाइए सर। अरे भाई सुनो, इस फोटो में जो लड़की है उसे कहीं देखा है? नहीं जी। सर, ए देवा, उतरो। कहाँ ना तुम्हें, उतरो। अरे वो तो उतर गया ना। सुन चुप रहो, मुझे सब पता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी है। क्या है? अरे उसे मार डालोगे क्या? वो मरेगा तो मैं कैसे जीऊंगी? पारो के लिए देवदास शराबी बन गया था, और इस देवा के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी। तुम्हारा नाम पारो नहीं है। तुम चुप रहो, फिर मारूंगी तो बचोगे भी नहीं, समझे? देवा कोई खुशी में पीता है तो कोई गम में पीता है, पर प्यार में तो सॉरी, पर प्यार में तो लोग दिल की बात ज़बान पर लाने के लिए पीते हैं। बाप रे, ले जाओ। उसने तुम्हें मारा तो फील किया क्या? अरे बाप रे, तुम्हें मारा तो तुमने फील किया? जब तुमने फील नहीं किया तो देवा के मारने से मैं कैसे फील करूंगी?
ओ मेरी हमनशी, ओ मेरी हमनशी, बन जा मेरी महबूबा रे। पैसा लिया तूने, सिक्योरिटी वाला बन के उस घर में घुस गया तू, अब बच्ची को मुझे कब सौंप रहा है तू? फैमिली में सबको भरोसा दिलाने के लिए मुझे 15 दिन लग गए। देवा अगर कोई काम उठाएगा तो उसे पूरा करके ही दम लेगा। इतवार की शाम को 5 बजे बच्ची को लेके तेरे पास आ जाऊंगा। है मोक्ष का फोन नहीं आया, फोन आते ही अपने पोते से सबसे पहले मैं बात करूंगी। ए, वो मेरा वारिस है, पहले मैं बात करूंगा। पिताजी, उसकी माँ मैं हूँ, पहले बात करने का अधिकार मेरा है। बिल्कुल नहीं, दादी से माँ से बात करने का जमाना नहीं रहा, गर्लफ्रेंड से बात करने का जमाना है, पहले मैं बात करूँगी। लेकिन मैं उसकी छोटी बहन हूँ, वो पहले मुझसे बात करेगा, है ना लियो? सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो छोटू, आप सबको जानते हो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ संध्या? सुबह से उसे बात करने के लिए हम सब वेट कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। वो क्या है कि अब तुम्हें कैसे बताऊं? कैसे क्या जी, उससे मिलकर 1 महीना हो गया और अब सुना है एक्सर्शन पे गया है, 15 दिन तक नहीं आएगा। उससे मैं कब मिलूंगी, कब बात करूंगी? एक माँ की ममता आप कभी समझ नहीं पाएंगे। देवा, हमारे बेटे को बचाकर एहसान किया है तुमने, उसी तरह शाम से कहकर हमारे पोते से हमें मिलवा दो ना बेटा। हम सबकी आंखें तरस गई है उसके दीदार के लिए, हम सबका मन बड़ा व्याकुल है उसे मिलने के लिए, उसे देखने का बड़ा मन कर रहा है, तुम ही कुछ करो ना। अच्छा कुछ करता हूं। देवा सर, तुम्हें एक बात बतानी है। आओ देवा, यही है मोक्ष का कमरा, उसे देखने के लिए वो नहीं बचा लेकिन हमारे लिए अपनी यादें छोड़ गया है। फोन ना आने पर ये लोग इतना फील कर रहे हैं, तो जब पता चलेगा कि वो जिंदा नहीं है तो इन पर क्या बीतेंगे? ये उसका बनाया हुआ फैमिली पिक्चर है लेकिन इसमें वो खुद ही नहीं रहा, हर विषय में फंस था वो, लेकिन मौत में भी फर्स्ट होगा ये मैंने नहीं सोचा था। सर, अब हमारे पास कुछ बचा है तो मेरी बच्ची अंजलि। एक्सक्यूज मी सर। हेलो देवा, 5 बजे तक बच्ची को लाने का वादा किया था, अब 4 बज चुके हैं। जो वक्त बताया और जहां बताया उसके मुताबिक ले आऊंगा, तुमसे कहा था ना मैंने, रखो फोन। अंजलि, अंजलि देखो बेटा, जिद मत करो, चुपचाप खा लो बेटा, खा लो ना, देखो लास्ट है। देखो पढ़ाई से ज्यादा तुम इसके साथ खेल रही हो, ए ग्रेड से सी ग्रेड में पहुंच गई, पहले इसे बाहर करती हूँ, तभी तुम समझोगी। टाइगर, टाइगर,
प्लीज मम्मी, अरे अंजलि ना मम्मी प्लीज, कुत्तों में से ले जाकर ब्लू क्रॉस में दे दो, दोबारा इस घर में ये दिखना नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी प्लीज, मम्मी लियो को। संध्या चुप रहो, भैया को भी संध्या बात तो सुनो उसकी। मम्मी प्लीज मेरी बात, बच्चों को जिससे खुशी मिलती है उससे उन्हें दूर नहीं करना चाहिए, यह हमें समझना चाहिए। हद कर दे, आज सिक्योरिटी वाला भी हमें सलाह देने लग गया है। इसे कहो अपनी लिमिट्स में रहे। टाइगर तुम अब तक खड़े हो, जल्दी जाओ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। टाइगर कहाँ जा रहे हो? संध्या जी ने बोला है ना ब्लू क्रॉस। अरे टकलू सर फट जाएगा। ना ले गया तो संध्या जी, ले जाऊंगा तो देवा। अब इसे कहाँ रखूं मैं? अंजलि तुम खेलती रहो, मैं अभी आता हूँ। ओके अंकल। अरे गंजू ये कौन है? भाई उस दिन रेसिपी पर अटैक किया था तो इसने हाथ बांध कर हमें पीटा था। पर ये हमारा आदमी नहीं है। हेलो। हाय देवा। काम हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? इंट्रोडक्शन मांग रहा है, दे दो इसे। जाने दो भाई, वो निशाना देख के मारता है भाई। नहीं रे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैटर पर आता हूँ। जब तक मैं हूँ तो उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात तो अच्छी तरह समझ ले तो बेटर है। क्या है क्या है क्या है? दीवा है तो मुझे सिग्नल देना। ओके क्यों? जैसा कहती हूँ वैसा करो। अरे क्यों? जाओ ना। अरे नहीं भाई मेरी बात तो सुनो, बाहर चलो। जाओ नखरे छोड़ और दूध पी, वरना ब्लू क्रॉस में पहुंच जाएगा। चल नाटक मत कर, पी। आपको पता चल जाएगा, भौंकना मत। बाय लियो। अभी इस दूध का क्या करें? अरे पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, कुछ चाय नहीं बनाओगे क्या? अरे क्यों नहीं, अपने पास दूध जो है चाय बनाएंगे। ये दूध है ना, अभी चाय बना कर लाता हूँ। चाय कॉफी बहुत पीते हैं लगता है। वो तो पता चल ही रहा है। बढ़िया बनी है, पी के तो देखिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप पीजिए। कोई बात नहीं लो। अरे चाय से मुझे एलर्जी है। लो ना। आप पीजिए ना। लो ना। आप पीजिए ना, नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, मसाला चाय क्या बढ़िया बनी है। वाह, आपके हाथ में कुछ जादू है ना मास्टर जी। और लीजिए, और दीजिए नाम का। आप भी लो ना। अरे मुझे नहीं चाहिए, आप पीजिए ना। आप पीजिए। अरे उसको नहीं चाहिए शायद। अरे सुनिए टाइगर साहब ने क्या बढ़िया चाय बनाई। दूध कहाँ से रहा है? नहीं से लिया। वो तो कुत्ते का झूठा दूध था। मैंने चाय बनाई और हम पी लिए। मुझे पहले से पता था कि वो कुत्ते का झूठा दूध था, इसलिए तो मैंने चाय नहीं पी। तेरा टैलेंट तो कमाल का है। आजा आजा इधर आजा 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 चाय मार चल। थैंक यू डॉक्टर। हाय हाय बालाजी, हाय, आ जाओ। फोन करके तुरंत बुलाया यहाँ पे, कुछ कहना चाहती हो हमसे? You're right, बालाजी। तो
कौन है? देवा। कबाब में हड्डी। बोलो। दरअसल वो अच्छा है या बुरा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम उसे कुछ समझ पाए हो? अभी ज्ञान हो रहा है हमको। मैं समझ नहीं पा रही हूँ बालना जी, तुम तो साइकोलॉजी जी जानते हो ना? मास्टर हूँ उसमें। एक आइडिया दो ना मुझे। हाँ, उस देवा को उस बच्ची से बहुत प्यार है, उस बच्ची को कोई किडनैप कर रहा करके फोन करो, जल्दी में आया तो बहुत अच्छा आदमी है, अगर देर लगाई तो सम तो बहुत चालाक आदमी। सिंपल आइडिया है लेकिन संभव है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो देवा, मैं आईकी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। दरअसल अंजलि को कुछ लोग किडनैप करने आए हैं। क्या? यस, बोल दिया, अब देखते हैं वो आता है कि नहीं। क्या माल है यार। हेलो। हेलो टाइगर। हाँ हाँ बोलिए गुरुजी। कहाँ हो? मैं बच्ची को पिकअप करने स्कूल आया हूँ, अभी यहीं पर हूँ। वहाँ सब ठीक तो है ना? ओ फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल फिगर। ठीक से देखो। अरे भाई सब ठीक ही तो है। देखो किसी पे शक तो नहीं आ रहा तुम्हें? किसी पर शक किया जाए ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ काले ड्रेस पहन के कुछ गुंडे जैसे लोग खड़े हैं। ठीक है तुम मेरी बात सुनो। ये कैसा स्कूल है भाई, ये सब तेंदुलकर आ रहे हैं। तेंदुलकर वहाँ कैसे आ गया? अरे वही भाई, सभी तेंदुलकर का मास्क पहन कर निकल रहे हैं। चुप रहो, सारे मास्क निकाल के देखो, बच्ची किसी भी हालत में चाहिए। ओए छोड़ो उसे। देवा अंकल। चलो बेटी चलते हैं। आजा आजा आजा। आइडिया सुपर था। आईकी थैंक्स अ लॉट, तुम कल से कार में आ सकती हो। हमारा आइडिया हमको ही भारी पड़ गया। आयुष्मान, इस फोटो में जो लड़की है उसे कहीं नहीं देखा? स्वामी जी नहीं देखा। अंजलि ध्यान से बेटा गिर जाओगी। देवा अंकल। चलो बेटी चलते। मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। अपने घर में बाबा की पूजा करो, प्रसाद बांटो, सब मंगलमय होगा। ठीक है स्वामी जी। अरे टाइगर तू तो बड़ा लकी आदमी है यार, तेरी किस्मत तो हमेशा तेरा साथ देती है यार। संध्या मैम ने बड़े प्यार से भेजा है, वो नालायक आ जाए उससे पहले खा लेने में बुद्धिमानी है। आ गया साला। आप एकदम करेक्ट टाइम पर आए हो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये डाइनिंग टेबल को थोड़ा बड़ा करवाने की सोच रहा हूँ। और क्या बड़ा करवाएगा ये सब? कुछ नहीं। संध्या मैम ने मुझ ब्रह्मचारी को अकेला हूँ इसलिए पूजा करके पकवान भेजे हैं। तो अकेला खा लेगा? हाँ, किसी और को नहीं दे सकते ना, इसलिए मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। मुझे नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। खा ले। थैंक यू। पुलाव कितना मजेदार है, बड़ा भी है, वाह खीर भी, खीर भी है। वाह तेरी। अब चाट ले। ये चाट तो रहा है। अब तू क्या करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अभी के अभी खीर चाहिए। कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से उठा के लाऊं मैं? अरे चोरी करके लाऊं क्या? तू कमाल का है टाइगर, ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं? चोरी करके ले आ। चोरी करके लाऊं? बिल्कुल। मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। अच्छा तो तुम भी साथ चलो। किस लिए? मुझे हिम्मत देने के लिए, सिर्फ खीर के लिए चोरी करवा रहे हो। ठीक है चलो। अरे यार तुम तो कुत्ते हो,
चोर को पकड़वाने की आदत होगी तुम्हारी। बेसिकली टाइगर चोर नहीं है। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, इसे भी किचन में ही जाना था। ओहो, अगर मैं खीर लेके नहीं गया तो देवा मुझे मार डालेगा, और लेके गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। सुन रे, तू मुझे पकड़वाएगा तो पुलिस वाले तुझे चमड़े की बेल्ट की जगह सोने की बेल्ट पहनाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक इसी तरह अपनी ड्यूटी समझ के श्याम जी ने हाथ पैर तोड़वा लिए। अबे मेरी बात मान जा और हट यहाँ से। अरे क्या कर रहा है, फ्रिज में ढूंढो। एक जोर से मत चिल्ला, चुप कर चुप कर। क्या किया? देवा, देवा क्या है? अरे इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है, वो क्या है कि खीर चाहिए थी। इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत थी, मांगते तो देती। लियो कहाँ से आ गया? अरे ये कहाँ से पहुँच गया, मुझे क्या पता। यानी तुमने इसे ब्लू क्रॉस में नहीं छोड़ा? चीची मुंह खोलो तो झूठ। ऊपर से चोरी, इस घर की सिक्योरिटी करने के लिए आए हो या चोरी करने के लिए? ये चोरी वोरी उन्हें कुछ नहीं पता, तभी तो घर से बाहर रहने के लिए कहा था, लेकिन अंदर घुसा है, शर्म आनी चाहिए। चीची बाहर निकलो, गेट आउट। अंकल आपके लिए खीर लाई हूँ। नहीं चाहिए बेटी। आपको माँ ने डांटा ना, आपको जो पसंद है उसे याद करो, दुख दूर हो जाएंगे। याद करो ना। याद किया मैंने, दूर हो गया। अब ये खीर खा। अगर तुम मेरी बात मानो, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा। तुम हर सब्जेक्ट में लास्ट आती हो, फर्स्ट आके दिखाओ। भैया जब यहाँ था तो मैं फर्स्ट आती थी, अब कंपटीशन के लिए कोई नहीं है ना। वापस आने के बाद अगर उसे पता चला और उसने तुमसे बात करना छोड़ दिया तो? वो ऐसा नहीं करेगा। और किया तो? बाप रे, है ना। अब मेरी बात सुनोगी? ओके ओके सुनूंगी, पहले ये खा लीजिए। इसी का तो इंतजार था। कैसी है? तुम्हारी तरह मीठा है। मुझे नहीं देंगे क्या? बाप रे फिर आ गई। ये क्या गुरुजी, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं अकेला नहीं पीऊंगा, मेरे साथ तुम भी बैठो। थैंक यू। अरे तू भी एक पेग लेना भाई। क्यों? तुम मारोगे? नहीं सताऊंगा। डिफोनी डिफोनी एक छोटा सा। प्रॉमिस? तेरी कसम। ठीक है बनाओ। बस 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 स्मॉल ही बनाए। हाँ उसमें डालो, जितना डालना है डालो, तुम कितना भी पी लो तुमको चढ़ती नहीं है। यस सुनो टाइगर। हाँ अचानक तू इतना इंटेलिजेंट कैसे बन गया? पैदाइशी ऐसा हूँ। हाँ। तो टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं। गेम? हाँ। कौन सा गेम खेलेंगे? बड़ा ही आसान गेम है। पहले बताओ क्या तू है? मेरे से चार सवाल पूछ, मैं तेरे से चार सवाल पूछूंगा। क्या? हाँ। क्या है पूछो? एक और एक कितना? एक और एक कितना? इसका मुझे जवाब देना है, ये कैसा प्रश्न है? अरे बताना बताना बताना। बाप रे बाप, बाप रे कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। बता, बता। एक और एक कितना? एक और एक दो होता है। छह। हाँ ये कितना? एक है।
ये भी एक है, मिलाओ तो दो पूरे 11। अरे 11 कैसे हो गए, कैसे हो गए 11? देखो फिर से तुमने मारना शुरू कर दिया, तुमने प्रॉमिस किया था नहीं मारोगे। ओके ओके, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं। सवाल नंबर 2 नहीं चाहिए। क्यों भाई? ए माँ, पहले क्वेश्चन पूछते फिर तुम मुझे मारते हो। ठीक है, सवाल छोड़ो, मारूंगा भी नहीं, मारोगे। दूसरा गेम खेलते, डांस करोगे? डांस क्या, क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे बचपन से डांस पसंद है। अच्छा? कमाल का डांसर हूँ मैं। कैसा डांस है ये बोलो? ये क्या ऊपर चढ़ रहे हो? ओहो, समझ गया समझ गया समझ गया, अमिताभ बच्चन का सॉन्ग। तो पैक बनाओ, ये हुई ना बात। अरे बाप रे, अमिताभ बच्चन का सॉन्ग मामूली है क्या? फूल लेना पड़ेगा। जस्ट वेट, ऊपर क्यों चढ़ गया? अमिताभ बच्चन बहुत लंबा है ना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? टाइगर, क्या हुआ? स्लो हो गया, स्लो हो गया। मेरे अंगने में तुम्हारा आइटम, आइटम सॉन्ग, आइटम सॉन्ग। या मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है ना? क्या बात है, समझ गया, पकड़ लिया, थैंक्स। कमाल कर दिया यार, सोफा पे बैठ जा। अरे तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। अब तक तुम सवाल कर रहे थे ना, अब मैं तुमसे सवाल करूंगा। ठीक है, करो। करूं ना? मुझ में क्या है जो तुझ में नहीं है? देखो देखो, फंस गए ना, फंस गया ना। मुझ में क्या है जो तुझ में नहीं है, बोलो क्या है? दिल। हाँ, दिल जो तुम्हारे पास है ही नहीं। एक लड़की पालतू पपी की तरह तुम्हारे पीछे घूम रही है और इस बात को तुम्हारा दिल समझ नहीं पाया। तुम मुझे अपने मन में जगह तो नहीं दे रहे हो और मेरे मन में घुस के बैठे हो। अब तो हम दोनों को भगवान भी जुदा नहीं कर सकता। आयकी तुमसे बहुत प्यार करती है, उस लड़की को तुम अवॉइड क्यों कर रहे हो? आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? हम सबसे क्यों खेल रहे हो? हाँ, मन में इतना दुख होते हुए भी सबके साथ हंसते खेलते कैसे रहते? कुछ भी हो, ये बात तुम किसी से मत कहना। तेरी पुलिस की नौकरी है बेटा, हर एक की तुझ पर नजर होगी, संभल कर रहना। जब भी तू ये ड्रेस पहनता था तेरी बीवी सबसे ज्यादा डरती थी, मैं समझाता था उसे, अब मुझे ही डर लग रहा है। क्या है डैडी, आप भी? डैडी, आज हमारा एनुअल डे है, आपने प्रॉमिस किया था आप आएंगे ना? डैडी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं ले जाऊंगा। मम्मी को बुरा लग रहा है, मम्मी के पास जाओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ये क्या है? आपके घर में सिक्योरिटी के लिए जो आया उस देवा की फाइल है सर, इसे तुरंत दिल्ली भेजना है सर। ये देवा है? यस सर, यही देवा है सर। और जो मेरे घर में है? अपने स्कूल एनुअल डे फंक्शन में रनिंग रेस फर्स्ट प्राइज सेकेंड स्टैंडर्ड की बेबी अंजलि को, हाई जंप कॉम्पिटिशन में भी फर्स्ट प्राइज बेबी अंजलि को, ऐसे कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज बेबी अंजलि को, लॉन्ग जंप में फर्स्ट प्राइज मास्टर भारत सेवेंथ स्टैंडर्ड, 100 मीटर दौड़ में सेवेंथ स्टैंडर्ड के मास्टर गौरव को फर्स्ट प्राइज। हेलो टाइगर, हमारे घर में जो सिक्योरिटी वाला बन के आया है वो देवा नहीं, फ्रॉड है। तुम सबका ख्याल रखना, मैं पहुंचता हूँ। बेटा तुम जरा यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। ओके ठीक है अंकल। जरा इसको देखना,
सारी डिटेल मेरी टेबल पर होनी चाहिए। गॉट इट सर। गो। डैडी। हाँ बोलो बेटी। डैडी, मम्मी, दादाजी और मैं सब मिलकर भैया से मिलने जा रहे हैं। मम्मी को फोन देना। हेलो हेलो। से पहले कम से कम एक बार पूछ तो लेती। कितनी बार पूछ चुकी हूँ उसके पास लेके जाने के लिए। अपने बेटे के पास तो जा रही हूँ, इसमें क्या बताना। संध्या मेरी बात। कितनी बार पूछा हमने, तुम अपने बेटे से दूर रह सकते हो, लेकिन संध्या अपने बेटे से ये दूर बात नहीं है डैडी। आज उसका बर्थडे और आपको याद भी नहीं। मोक्ष ने हमारे बगैर कभी बर्थडे मनाया है क्या? उसके पास ले जाने के लिए कह कह कर थक गई है। ना तू ले जाता है ना हमें जाने देता है। मेरी बात सुनिए डैडी, आप भी चलिए, भैया को बर्थडे विश करके आते हैं। ये नहीं आएंगे और हमें लेके भी नहीं चलेंगे। चलो हम चलते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे बस उसे मिलना है। मिलोगी तब जब वो जिंदा हो। संध्या अंजलि को संभाल। ए, मेरी फैमिली पर नजर डाली तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। बचाओ। चलो। और आई विल शूट यू। तुम लोग चलो। मेरे ही हाथों से मेरे ही आंखों के सामने मेरे बेटे को मरवाया। दिया हुआ टाइम खत्म हो गया। मेरा टाइम अभी शुरू हुआ है। तेरी पूरी फैमिली मिल गई है मुझे। इसके बेटे को तो मैं मार चुका हूँ, अब तेरे सामने इसके परिवार को खत्म कर दूंगा। तू जरा उधर तो देख।
अपने दुश्मन को मैं अपने ही हाथों से मारूंगा। तुम कौन होते हो मारने वाले? वीरा, 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 ऑपरेशन करना है, ये क्रिटिकल पोजीशन में है, पल्स रेट भी कम हो चुका है। सर्जन को आने में देर लगेगी। मैं भी डॉक्टर हूँ, इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कीजिए। ये नहीं हो सकता मैडम। शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए, प्यार और भरोसा है, तभी इस बार भी मुझे जितवाया। आप सबको मेरा धन्यवाद। डैडी, आजा आजा मेरी प्यारी बेटी, अपने घर चलें। इधर आओ तुम। संध्या, पार्वती, गांव वाले और बच्चे तुम्हारे साथ थे तो काफी नहीं है क्या? अब इससे क्यों मिलना चाहते हो? हम लोगों को चैन से जीने नहीं दोगे क्या? या बच्ची को मुझसे दूर करके मुझे अकेले देखना चाहते हो? जी जी, बस बस, चलो चलो यहाँ से। पार्वती, पार्वती। माँ, पतिदेव को ही भगवान मानकर दूसरी शादी करके अपनी इच्छाओं को दबाया, सब कुछ भुला के शांति से जीना चाहती हूँ, लेकिन वो तो जनता के साथ ही जीना चाहती है। वो तो भगवान है, बस तुझे ही वो राक्षस दिखता है। उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, ये तो सब किस्मत का खेल है। अगर दोबारा कभी भैया भैया कहते हुए उनके पीछे गई तो पैर तोड़ दूंगी। संध्या, संध्या, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ जल्दी आओ। पैसा बांटा, साड़ियां बांटी, शराबों की बोतलें भी खोली, लेकिन इस बार भी हम जीत नहीं पाए। सूर्य प्रताप जनता के लिए भगवान की तरह है, जब तक वो जिंदा है हमारा जीतना मुश्किल है। जनता कुछ ज्यादा ही प्यार करती है उससे, और वो ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से। आज उसका जन्मदिन भी है, गांव में अन्नदान भी कर रहे हैं। हम भी जाएंगे, माला पहनाएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। सब लोग खाना खा के जाइएगा। नमस्कार। पिताजी, आप जैसे बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? गरीबों को भरपेट खाना खिलाना चाहिए, सबको भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इलेक्शन में तुम्हारी जीत और मेरी हार हुई है,
सब इस भगवान की मर्जी से हुआ है। उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा सम्मान करने आया हूँ। जनता के वास्ते जीने में जितनी खुशी मिलती है उसके वास्ते मरने में भी उतनी ही खुशी मिलती है। तुम एक आंख से जनता की सेवा करना और दूसरी आंख से अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है डैडी, छोटी माँ को सगी माँ का प्यार दूंगा, संध्या को भी बहुत प्यार करूंगा, गरीबों की रक्षा हमेशा मैं डाल बनकर करूंगा। मीरा, डैडी, संध्या यहाँ आओ। नहीं बाबा, मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। कुछ नहीं होगा संध्या, आ जाओ। मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। अब यहाँ क्यों आया हो? आप दोनों के अलावा कोई नहीं हमारा घर, चलो ना छोटी माँ। उनके होते हुए मैंने घर छोड़ दिया था, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। इन बच्चों का और कौन है, तुम जाओ ना बेटी। जाकर क्या करूँ मैं, पुरखों की जायदाद तो गरीबों में लुटा दी उन्होंने, बाकी जो बची है वो इनकी माँ की जायदाद है जो इन्हें ही जाएगी। अब इन बच्चों की भीख पर मैं अपना पेट भरूँ क्या? चले जाओ यहाँ से। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, जायदाद के पेपर लाया हूँ, ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम और संध्या हमारे साथ रहो। चलो ना छोटी माँ। मान जाओ ना बेटी, कितनी आशा से आए हैं ये बच्चे। तुम चुप रहो, बच्चों को धोखा देकर सौतेली माँ ने जायदाद हड़प ली, ऐसा सारे गांव वाले मुझ पर आरोप लगाएंगे। ए, तुम जाते हो या संध्या और मैं ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दे? नहीं छोटी माँ, हम ही जाते हैं। संध्या, माँ को कहो ना छोड़कर मत जाए। ठीक है, लेकिन तुम कसम खाओ आज से किसी को नहीं मारोगे। मैं वादा करती हूँ हर छुट्टियों पर आऊंगी। मैं वादा करता हूँ। तेरी कसम, बिना कोई वजह किसी को नहीं मारूंगा बहन। तुम्हारे भाई इतने दिनों तक हमारे साथ थे, लेकिन तुमने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया और आज उन्हें बचाने के लिए प्रैक्टिस छोड़ने के बावजूद उनका ऑपरेशन किया। तुमने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। प्राण बचाना एक डॉक्टर का पहला कर्तव्य है, लेकिन अपने पति से झूठ बोलना, ये तूने ठीक नहीं किया बेटी। शादी के वक्त मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप हैं या नहीं, तो तुमने कहा नहीं है। तुम्हारा एक बड़ा भाई है, तुमने हमसे क्यों छुपाया और आज उसी के लिए आंसू बहा रही हो तुम। मिस्टर श्याम। सर। संध्या के लिए, संध्या के परिवार के लिए तुम्हारे घर आया सिक्योरिटी वाला देवा, जानते हो वो कौन है? सर, भगवान के कई रूप हैं इस दुनिया में। हमारे देश में भी कई प्रकार से भगवान को पूजते हैं, लेकिन सदा शिवपुर में सिर्फ एक ही भगवान है। वर देने वाला भगवान नहीं, प्राण त्यागने वाला भगवान, और जरूरत पड़ने पर प्राण लेने वाला भगवान। सर वो वीर प्रताप, आज के जमाने का राजा है वो, बिना मुकुट का युवराज और गद्दी पर ना बैठने वाला महाराज। दिल का वो हीरा है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ चित होता है, दूसरी तरफ पट होता है, उसी तरह इस सदाशिवपुर में भला चाहने वाला वीरा है तो बुरा करने वाला कमलाकर राठौर और रुद्रमोहन राठौर है। 50 करोड़? लेकिन अच्छा काम करने के लिए 50 करोड़ किसके? अरे वीरा बीच में आ जाएगा, इसलिए जनता की भलाई के लिए कोई काम हो तो वीरा क्यों रोकेगा? जनता की भलाई तो ठीक है, लेकिन गाँव भी तो खाली करवाना है। यही है वो सदाशिवपुर, बगल में गोदावरी नदी है। अगर ये थर्मल प्रोजेक्ट बन जाता है तो गांव का आधा भाग उसमें आ जाएगा। ये नदी प्रदूषित हो जाएगी, उसके अलावा फसल का भी सत्यानाश हो जाएगा, तो वीरा तो ये होने नहीं देगा। अपनी माँ और बाप से भी ज्यादा वीरा गांव वालों से प्यार करता है। हम वीरा के बिना इस गांव को देखना चाहते हैं, ये डील हमें मंजूर है। खाले बेटा, खोलो मेरे को छुआ। अबे ओए, दिखता नहीं है क्या? क्या रे, अंधा है क्या तू? दिखाई नहीं देता तुझे? अरे बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा तू, वो तेरी जिंदगी पर।
क्या बकवास कर रही है? गरीबों को मुंह मिला है सिर्फ खाना खाने के लिए, जो मुंह में आए पकने के लिए नहीं। अरे जा जा, औरत हूँ ये भी नहीं सोचा, लात मारता है। गरीबों की आवाज और धड़कन सुनने वाला हमारा भाई वीरा है। जा जा, तेरा सामना हमारे वीरा भाई से ही होगा। जानता नहीं मैं कौन हूँ? विजय श्रीवास्तव, सर आप लक्ष्मी श्रीवास्तव, कोई बिजनेस हमसे छूटा नहीं, हर गांव में हमारी फैक्ट्री है। डिटेल्स बता के फंस गया तू, क्या मिस हुआ तो घर पे आके मारूंगा। अच्छा, मुझे मारोगे? बिना वजह किसी को नहीं मारूंगा, अपनी बहन से वादा किया था, गरीबों की रक्षा हमेशा करूंगा ऐसा अपने पिता से वादा किया था, अब रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। ये बात है, मेरे पीछे देख कितने आदमी है। तुम्हें मुझसे टकराना है तो तुम्हें 100 लोगों की जरूरत है, अगर मुझे तुमसे टकराना है तो भी तुम्हारे आगे 100 लोग होने चाहिए तुम्हें बचाने के लिए। तू इन्हें मामूली आदमी समझता है? ये सब के सब पहुंचे हुए गुंडे हैं। ए, माँ की कीमत भूख की तड़पना जानने वाला तू जनता के बारे में क्या जानेगा? फसल भूमि और बसे बसाए घरों को बर्बाद करके फैक्ट्री बनाने के लिए किसने बोला? तू कौन है पूछने वाला? ये गांव तेरे बाप की जागीर है? नहीं तो क्या, तेरे बाप की जागीर है? ये ले। जब मैं मारूंगा तो वो अलग ही होता है। हिलना चाहोगे? हिल नहीं पाओगे। चाकू निकालना चाहोगे? निकाल नहीं पाओगे। ये क्या, मेरी सांस चल रही है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लगेगा तुम्हें, तब समझ जाओगे कि जिंदा हूँ पर प्राण ही नहीं बचे। अगर फिर से रिपीट करूंगा तो खून ही बहेगा। निकल जाओ, निकल जाओ। अरे रुको रुको रुको, आजा आजा आजा, अरे खाले आज आजा, पकड़ी गई ना। पिताजी, साइन नहीं करेगा बोलता है? इस स्वप्न सुंदरी से टकराओगे तो जलते सूरज से टकराने जैसा है, समझे? इस कागज पे छोटी सी साइन करने को बोला तो तुम घमंड जताते हो मुझसे? ये 15 करोड़ की जायदाद है माँ जी, 15 लाख में मांग रहे हैं, ये कैसा धर्म है माँ जी? अपने प्राणों से 15 करोड़ तुम्हें ज्यादा लगते हैं, बोल बे। प्राण लेना इतना आसान नहीं है। निम्मी को जवाब देते हो, प्राण निकालने के लिए बकरी और आदमी में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। ये काम पहले कर देते तो इतने प्यार से पाली बकरी की चढ़ती न।
जय दुर्गा। ये मेरा पति हिम्मत वाला है। दीदी क्यों बे, जिस काम के लिए गया था क्या हुआ? दीदी वो वीरा। तुम मेरे भाई हो वो जानता है क्या? जानता है दीदी। तुम इसके साले हो जानता है? दीदी तुम्हारा भाई इसका साला ही तो हुआ ना। कंफर्मेशन के वास्ते पूछा था, गला कटवा लिया ना नालायक। उसने मेरे भैया का खून मुझे दिखाया है। इन दोनों की आंखों में मैं खुशी देखना चाहती हूँ पति देव। हर चीज का एक वक्त होता है निमी। तुम जैसा चाह रही हो मैं उस जगह को तेरे नाम करवा दूंगा, और अगर कोई बीच में आया तो फाड़ के रख दूंगा। इस प्रवीण प्रताप राठौर की नजर सदा शिवपुर की भूमि पर पड़ी है। अरे वीरा, बहन संध्या का फोन है। बहन का मैं बात नहीं करता, मैं बात नहीं करता। पहले मैं, अरे सुन, पहले मैं, वो नहीं, पहले मैं तो मजाक कर रहा था। पहले आप बात कर लीजिए, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। बोलो बहना, सेजल को लाइन पे ले आए हो कि नहीं? कहाँ फंसी सेजल, मुझसे कबड्डी खेलती रहती है। एक लड़की को फंसाना इतना आसान नहीं है। कुश्ती कंपटीशन हो तो सबको हरा देता हूँ। कुश्ती अलग है और लड़की को फंसाना अलग है। ठीक है, मैं लव लेटर डिक्टेट करती हूँ और तुम लिखो, और जब वो अकेली हो तो गुलाब के फूल के साथ दे देना। गुलाब का फूल किस लिए? लव का सिंबल है भैया। ओहो, अरे सुन रहे, अरे संध्या लव लेटर के बारे में बता रही है, लिख लेना। मेरी सेजल पड़ेगी तो भागते हुए आ जाएगी मेरे पास। पहले बात कर। अब बता बहन, ठीक से सुन बे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, मैं देख लूंगा। सुन, सुन, सुन। बोल बहन, बोल। प्यारे भाइयों और बहनों, आज यहाँ औरतों और महिलाओं का कबड्डी का फाइनल कंपटीशन है। अबे भूतनी के, औरत और महिला एक ही होती, ठीक से बता ना। अच्छा ठीक है, आज होने वाले मुकाबले में हमारे सदाशिवपुर टीम और सीतानगर टीम के बीच मुकाबला होगा। इसके चीफ गेस्ट है हमारे वीरा। ओए बड़ बोले, उससे मिले 3 दिन हो गए, कहाँ है मेरी रानी? रानी बोले तो कौन? सेजल यार। सेजल? हाँ। अरे बाप रे, क्या एंट्री मारी, देखो ना। वाह क्या लग रही है आज। सुन बड़ बोले, सेजल क्या कह रही है? कबड्डी 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 कह रही है। फिर मुझे उसका वीरा 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 क्यों सुनाई दे रहा है? जो होना था वो टाइम पे हो जाता ना तो इतना अफसोस नहीं होता, तभी तो बीच बीच में उसे चुप। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे चीफ गेस्ट है, बैठ जा बैठ जा। सेजल तुम हार गई तो सदाशिवपुर हार गया समझो। तुम आवाज दो और जीत के दिखाओ, गांव की इज्जत का सवाल है। लहरें रहती है साहिल में। हो गई
प्यार है तुमसे, एतबार है तुम पे, जनसार तुम पे, मेरा जीवन तुम हो, मेरी धड़कन तुम हो, जब सोचो तुम्हें सोचो, जब चाहो तुम्हें चाहो, दिल ये कहे अब हर जन्म ये रिश्ता मैंने रुको वीरा, हाँ। तुम सेजल की यादों में खोए हुए हो और कुछ सिंगारपुर की सीता तुम्हें थोड़ा फोन दो, टच में कह रही है, जरा संभालो इसे। हेलो, कौन बोल रहा है? परसों कबड्डी कोर्ट में तुम्हारी बॉडी को देख के बेहोश हो गई थी। देखो गीता, सीता कोई भी हो, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि इस बॉडी पर फुल राइट सिर्फ सेजल का ही है। ये क्या बोल रहे हो? सेजल ने तो तुम्हारे को ठुकरा है ना, उसके बारे में काय को सोचते हो? ये बात अगर मेरी सेजल ने सुन ली ना तो तेरा एड्रेस पता करके कबड्डी खेलेगी तेरे साथ। फोन रख दे, ये कोई मुझे ही लाइन मार रही है। मैं खाली बैठा हूँ, बोलता तो मैं श्रृंगारपुर चला जाता। वीरा, वीरा। अरे अभी याद किया और आ गई। अरे आओ सेजल, आओ। लव लेटर लाई हूँ। कहाँ है वीरा? अरे सेजल, लव लेटर है क्या सच में? हाँ, पढ़ के बताओ। हाँ। फ्री अति फ्री मेरी सेजल, जब तुम छोटे छोटे फ्रॉक्स पहनती थी तब से तुम्हें प्यार करता हूँ। ये बाहट कर लिया तुमने, कितनी तेज हो तुम। आखिर में ये फ्री अति फ्री का क्या मतलब है? प्रिय अति प्रिय होता है। मुझे फ्री सुनाई दिया इसलिए मैंने लिख दिया। लिख दिया क्या रहा है? उसने उंगली रखी थी क्या? उसने उंगली नहीं, पैर भी रखा। और क्या रखा? अरे क्या नहीं किया, उसी में देख लो। नेक्स्ट लाइन, छाती के दरवाजे तेरे लिए खुले रखूंगा। ये छाती के दरवाजे क्या होता है? इनका मतलब दिल के दरवाजे से होगा। उसके जितनी नॉलेज भी नहीं है तुम्हें। आगे देखते हैं। मैं दूध का गिलास पकड़ के सुहागरात के दिन जैसे सफेद साड़ी पहन के जब तुम आओगी तो मैं वो साड़ी कब उतारूंगा ये सोचती हो तुम? इतनी चाहत है क्या? संध्या ने तुझसे क्या कहा और तूने लिखा क्या? तू जानता है तूने क्या किया है? क्या थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा सोच के लिख दिया। इसका मतलब आइडिया संध्या का और लिखा इस गिलास ने। मैं तुमसे प्यार क्यों करूं? सेजल, लव लेटर कैसे लगा? सेजल 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 महान महाराज, इतना ज्ञान कहाँ से लाए आप? एक क्वार्टर अंदर गया तो ऑटोमेटिक बाहर आ गया। वो अभी बाहर आएगा तो कैसा रहेगा? अबे तुम लोग क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। भाग लो, फिर मारेगा। फूल डाले क्या? ए रुको बे। सेजल, ना कोई हेल्प ना आइडिया, दिल से बोल रहा हूँ आई लव यू। इसीलिए बोला मुझे? ये आइडिया तुम्हारा ही है ना? सचमुच मेरा ही है। कमाल कर दिया सेजल, कम से कम मुझे गले तो लगा लो। देवी देवता हमारे प्यार पर तरस खा के फूल बरसा रहे हैं, अब तुम भी जरा तरस खाओ तेरे प्यार की कसम। अच्छा तो आ जाओ मेरी बाहों में। अरे बाप रे, सॉरी वीरा, पैर फिसल गया था। सॉरी, तुम्हें गले नहीं लगाऊंगी, तुम्हें सिर्फ मुझे बढ़ाना आता है, प्यार करना नहीं। अरे सेजल जरा मेरी बात तो सुनो। सेजल 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 चुप रह, रुको मैं ऊपर जाता हूँ ना। हेलो, मैं हूँ जी सिंगारपुर की सीता। मेरे बारे में कुछ सोचा कि नहीं? वो तुम्हारे को छोड़
सीता तेरे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे मुझे। इस तरह रोज तुमसे बात करूंगा तो वाट लग जाएगी मेरी। अरे ऑलरेडी मेरी शादी हो गई है, सेजल ही मेरी बीवी है। अरे बाबा ये कैसी प्रेम कहानी है, बीवी के पीछे भी प्रेम की भीख मांगते फिरते हो। अब मैं क्या बताऊं कैसे बताऊं, वो एक चित्र विचित्र कहानी है, सुनाता हूं। सेजल मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। कैसा टेंशन? फर्स्ट टाइम फर्स्ट नाइट है ना, एक तरफ खुशी है एक तरफ तुम हो, ये सब मुझे सपना जैसा लग रहा है। आज तुम जो भी मांगोगी दे दूंगा, आ जाओ बैठो। पप्पी दो। क्या पप्पी दो? अरे भर भर के दूंगा, टाइम वेस्ट मत करो। सचमुच दोगे? तुम्हारी कसम, आजा कबड्डी खेलते हैं। नहीं आऊंगी, शादी करूंगी तो किसी से प्यार करके करूंगी। यही ना, तो शादी हो गई और आज से प्यार करना शुरू, आ जाओ। पहले यहाँ प्यार जगाओ उसके बाद सुहागरात। यहाँ प्यार कैसे जगाऊं, कैसे? मुझ में प्यार पैदा करने के लिए पहले कबूतरों को आसमान से नीचे लाना होगा, आकाश में बिजली चमकनी चाहिए, धरती पर भूकंप आना चाहिए। ये सब कुछ तब होना चाहिए जब तुम मुझसे आई लव यू कहोगे। ऐसा वक्त आएगा ही नहीं, हमारी सुहागरात होगी ही नहीं। दूंगी एक खींच के, ये सब नहीं होने तक कुछ नहीं होगा। ये अन्याय है सेजल। और ये बात किसी से नहीं कहोगी, ये वादा करो। सेजल पहले वादा। अब बताओ फिर से फोन करोगी? हैं? कभी फोन मत करा। गांव में सब रेडी हो रहे हैं, ये कब रेडी होगी? किसी को नहीं बताऊंगी, ऐसा वादा करके भी सबको बता देता है। बताती हूँ। ये ले ले। नहीं लूंगा रे। वीरा इसे तो एक बार पी के सेजल को गले लगा ले, वो अपने आप मान जाएगी। वो कहाँ मानती है भाई? अरे मेरी बात तो सुन। वो क्या है रे? समझ नहीं पाया ना? हा? अभी बता दूं। ये क्या निकला? सेजल को मारना है क्या? तुम्हें इसकी आदत नहीं ना? हा? इस नारियल में ऐसे छेद करके ये शराब इसमें डाल के नींबू निचोड़ के पियोगे तो कमाल की लगेगी। पर ये सब क्यों करना है? नहीं तो लट्टू नहीं घुमा पाओगे। अब ये लट्टू क्या है, सीधी बात करना। रेप। रेप? बाप रे, पाप है रे। दरअसल बात तो गलत है, पीने के बाद 100 खून माफ है। पीजा भाई। एको डाल, एको डाल। आ, एक और दो। डाले डाले। उसमें डालो शराब। अभी डालो शराब और ये लो डाल। मैं पीऊंगा ये डाल दिया। आज तुझसे कुछ करके आऊंगा, छोड़ देने मैं उसको। शराब आज भी है ना तो रेप कल नहीं, आज 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 रेप। अच्छा तो एक और बनाओ। ये दो किस लिए? एक सेजल के वास्ते, एक मेरे वास्ते। लाइन पे आ रहे हो? ये दोनों ले जाके कर लो। अभी जाता हूँ। ले जाओ सेजल। सेजल देखो बड़बोले, रोज मुझसे लिपट के सोना चाहिए था, देखो कैसे अकेली सो रही है। अरे अकेली है और पूरा ओढ़ के भी सो रही है। अभी बढ़िया मौका है दोस्त। बिस्तर पर जाओ क्या? अरे नहीं, यहाँ हल्ला मचाएगी, उठा के बगीचे में लेके जाओ। जनम तेरी कसम। वो क्या है रे? हर बात का मतलब थोड़ी होता है। तो जाके पिला दो। पूरी तरह पिला सकते हो? अरे वही तो मैं चाहता हूँ। पकड़ो तरफ, पकड़ो इसे। यहाँ नहीं, बगीचे में, बगीचे में। अरे दिखने में तो ऐश्वर्या राय लगती है लेकिन उठाने पर टुन टुन लगती है रे। धीरे भूल उठ जाएगी। अरे उठेगी नहीं तो काम कैसे होगा? सब ठीक हो जाएगा। अरे तू पहरा दे, कोई आने ना पाए। अरे बाप रे, असली बात तो भूल गया। फूलों की खुशबू में मलमल के बिस्तर पर होना चाहिए था ये सब, लेकिन बगीचे में रात में छिप छिप के करना पड़ रहा है सब। आज रात मैं सुहागरात मना के रहूंगा। प्यार चाहिए ना तुझे? प्यार? ये प्यार नहीं तो और क्या है? अब तक तो सेजल ने भी पी लिया होगा। सेजल ये लो, पी लो, पी लो सेजल। इट्स मी सेजल्स ग्रैंडमा। अरे पर बोले। अरे बाप रे, क्या सिचुएशन उल्टी हो गई क्या? जाना पड़ेगा अभी। क्या हुआ? आ!
तेरी तो सुन। अगर इतनी हिम्मत तुम सेजल के साथ दिखाते तो अब तक मैं 3-4 पोते पोतियों के साथ खेलती होती। पति को इतने दिन दूर रखना अच्छी बात नहीं होती है सेजल। पति है तो क्या हो गया, जब तक दिल में प्यार नहीं जागेगा अपने आप को कैसे सौंप दूं? प्यार जागेगा और मैं जीतूंगी। अगर तू हार गई तो? नामुमकिन, हमारे बीच प्यार की उमंग जरूर पैदा होगी, वरना मैं सूखे पेड़ की तरह सूख जाऊंगी। तो इसी तरह उसको अगर तड़पाती रही ना तो कोई और लड़की उसको फंसा ले जाएगी, ये सूखे पेड़ की डाली हो जाएगी। मार डालूंगी, चाकू मेरे हाथ में ये देख। मैं नहीं मान सकता, सेजल को कबड्डी के मुकाबले में हराने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अरे वो जीत के दिखाएगा, कबड्डी खेलना कोई बड़ी बात है क्या? कौन है वो? अपना वीरा भाई, तू हमेशा चूटी काट के चीटिंग करके जीत जाती हो ना, इस बार ये सब कुछ नहीं चलेगा। इतनी बड़ी बात है, हिम्मत हो तो मुकाबला करने को कहा, खेल में जीत के ही छोड़ेगा। मैं मान गई हूँ, जो कि वो बताएगा या मैं बताऊँ, टाइम वो बताएगा या मैं बताऊँ, मिट्टी का कोट हो या रेती का कोट, आवाज से नहीं वीरता से हराऊंगी उसे। तू पहले आएगी या पहले मैं आऊँ? जूनियर हो ना, तुम ही पहले आ जाओ। पहले किसे आना है सिक्का उछाल के तय करते हैं, चिट या पट? हमेशा पट। पट। पहले तुम ही आ जाओ। नहीं तुम आओ। फूल सारे उसकी तरफ क्यों मुड़ गए? मुड़ गए तो क्या हो गया? अरे सूरज तो उस तरफ है ना? सेजल इस तरफ है ना? वहां जाऊं क्या? हेलो, तुम आओगे? अरे जल्दी मत कर सेजल, मैं इस खेल में नया हूँ। बच्चों जैसी बातें मत करो, यहाँ तुमने बुलाया है, ये लाइफ लाइन पार नहीं करोगी तो लाइफ लॉन्ग तुम कुंवारी ही रहोगी और मैं कुंवारी। बाप रे, फिर फंसा दिया बातों में, ठीक है आता हूँ। अरे भाई के वीक पॉइंट में हमारा अब क्या जीतेगा? अरे ओ ना समझ नालायक, इस खेल में कोई नहीं हारेगा, दोनों जीतेंगे। कबाब में हड्डी की तरह हम क्यों आए यहाँ? आओ चलो चलो चलते हैं। ऐसा खेल बच्चों के लिए नहीं है, ओनली फॉर लवर्स। फूल के लिए गुल सेजल। अरे जल्दी मत कर सेजल, मैं इस खेल में नया हूँ।
है तमन्ना तेरा वही गोरी हाल मेरा बाहों में आजा सुनिए दबा ले प्यार की तू मुझसे अरे रे रे बाहों में आजा सुनिए दबा ले प्यार की तू मुझसे नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण राठौर है, आपसे बात करने आया हूं। हाँ जी बोलिए। एक व्यापारी हूं मैं, भूमि खरीदना बेचना मेरा काम है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं दूसरों से लेता हूं और उन्हें जो चाहिए वो उन्हें देता हूं, ये मेरी आदत है। आपके गांव की भूमि मुझे चाहिए। आपकी बात इस गांव के लोग नहीं टालते हैं। आप उनकी भूमि मुझे बेचने को कही है, मुंह मांगी रकम उनके मुंह पे फेंक दूंगा। मेरी बात ये गांव वाले नहीं टालते, आपने सुना है। मेरे नाम के पहले दो अक्षर भी सुने होंगे, वीरा। वी का अर्थ है विनय। आप मेरे पास आए हैं इसलिए विनय पूर्वक हूँ। रा का अर्थ है राक्षसत्व। ये मुझ में आने मत दीजिए। आपकी ये बकवास सुन के मुझे गुस्सा आ जाए, उससे पहले आप सब यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा आपके लिए। मेरे मांगने पर भी किसी ने मुझे ना दिया तो मुझे जो चाहिए वो उनसे छीन के जबरदस्ती ले लेता हूँ मैं। ऐसी बुरी आदत है मुझ में। अगर चाहूँ तो मैं तुझे तेरे ही गांव से बाहर कर सकता हूँ। मुकाबला होगा 500 एकड़ आम के बागीचे, 6 एकड़ का मेरा घर और लाखों लोगों का मुझ पर विश्वास। मैं तैयार हूँ, तुम जो लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी। तेरी वजह से या तो मैं अपने गांव से दूर जाऊंगा या मेरी वजह से तू और तेरे पालतू कुत्तों का खात्मा होगा। मंजूर है? सोच लो, मुझसे उलझना खतरे की निशानी है। हर एक को भगवान बहुत सारी सहन शक्ति और थोड़ा सा गुस्सा देता है, मगर मुझे उसने दूसरा कुछ ज्यादा ही दिया है। सहन शक्ति से खेलोगे तो बच जाओगे, मुझे गुस्सा दिलाओगे तो सबकी मौत का कारण बनोगे। वीरा, उठ रहे हैं, निकल, निकल, निकल। भैया अब आया ना मजा, वीरा ने हमें बहुत नचाया था। अब ये लोग नाच रहे हैं, इतने दिनों से मुझे इसी समय का इंतजार था। लाओ भैया, ये वीरा का आदमी है, कहता है कि अंगूठा नहीं लगाएगा। साले साहब, कहते ही अंगूठा नहीं लगाएगा, ये कोई ऑटोग्राफ नहीं है, ये उसकी जायदाद है। प्रवीण राठौर के आदमी जबरदस्ती गांव वालों से अंगूठा लगवा रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भैया, वीरा की वाइफ। प्रताप राठौर, वीरा के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, वरना उसके आते ही लाशों का ढेर लग जाएगा। इतनी हिम्मत है? उसको ललकारोगी तो स्मशान पहुँच जाओगे। शाबाश, वीरा की पत्नी हो ना, जनता के लिए पागल है ये सुना था। तू भी पागल है, ये आज जाना, जरूर जाऊंगा, लेकिन हर एक से दस्तखत लेकर ही वापस जाऊंगा। ओए, लगवा लो। ए, वीरा ने बांधा है, इसकी कसम, कोई आगे बढ़ेगा तो काट डालूंगी। काट देगी? मुझे काट देगी? काट। ए, 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 हंस क्यों रही है? जितना चाहे उतना मुझे मार ले, वापस सूद समेत मेरे पति तुझे लौटाएंगे,
उसी नजारे के बारे में सोचकर मुझे हंसी आ रही थी। अनजाने में मेरा इतिहास जाने बगैर मेरे आदमियों को मारा तुमने, हिम्मत हो तो मुझे मार के दिखाओ। इसी इतिहास को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ, इतना मारूंगा कि इतिहास को याद करते हुए जिंदगी भर पछताएगा। उसी दिन मैंने कहा था अगर तू मेरे पास आएगा तो मेरा विनय देखेगा। अगर मैं तेरे पास आया तो तू मेरा राक्षस रूप देखेगा। ओए, मार डालो इसे। हमेशा छाती फाड़ के दरवाजे पर आते थे, आज सर झुका कर आए हो, शर्म नहीं आती? हाँ? इससे तू मरेगा तो मांग का सिंदूर मिटा दूंगी, मुझे मार दोगे तो सुहागन ही अपनी जान दे दूंगी। उसकी शक्ति पहचान नहीं पाया मैं। आज तक मैं मेरा पति जांबाज दिलेर है हमेशा समझती आई हूँ मैं। जाकर मेरी चूड़िया पहन के साड़ी ओढ़ के सो जा, समझूंगी एक नामर्द की पत्नी हूँ। निम्मी, मैं तब तक अंदर कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने आप को मर्द साबित ना कर दूं। रुको, उस वीरा को मार के सदाशिवपुर के बीच बाजार में लटका के उसका सर लाना, इस तलवार से टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगी। जाओ। नमस्ते एसपी साहब। क्या ढूंढ रहे हैं आप? वैसे पुलिस वाले बिना वजह यहाँ कभी नहीं आते। पहले अपने भाई को बुलाइए। एसपी साहब आप बड़े सीरियस लग रहे हो। रामू जूस लेके आ। आप आइए बैठिए एसपी साहब। मैं जूस पीने यहाँ नहीं आया हूँ, पहले अपने भाई को बुलाइए। हाँ बुलाऊंगा, पहले आप जरा। नमस्ते। अरे ये क्या, तू क्यों है, जूस का है? मुझे क्या पड़ी है, जिसको देना है वो देगी। ये लीजिए सर। सर लीजिए तो। हमारे घर की बहू आपको सर नहीं तो और क्या बोलेगी? डैडी बोल सकती है ना? कैसे कहेगी आप ही बताइए। मेरा भाई आपकी बेटी को चाहता है, उनकी शादी में ही भलाई है, ये आपको कहना चाहिए ना। बेहर किया, इसने अभी पता चला। आप मान गए ना, शादी हम कर देंगे। शादी कैसे होगी? ये मान गया ना। ये कौन होते हैं मानने वाले, पहले उन्हें मानना होगा। वो कौन है? इनकी इकलौती प्यारी बहन। आपने सब कुछ सुन लिया ना, लो वीरा से बात करो। ये रामो, खुशी की बात है, मैं ही बोलूंगा। तो अगर उसने कहा कि मेरी शादी के बिना भैया शादी कैसे कर रहे हैं। बड़ा आया,
तुम बोलो बहना। उसको एक खींच के झापड़ मारो। मैं ऐसा कहूंगी क्या? अरे जानता हूँ मैं, जब तू कहेगी तभी शुभ समय और शुभ मुहूर्त भी। बहन छोटी माँ को साथ जरूर लाना। बस हम कल ही निकल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। सेजल 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 सचमुच में इस खुशी के मौके पर तुझे उठा के घुमाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम ये खींच के। तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए नहीं है बल्कि इस बच्चे के लिए है, बाप जो बनने वाले हो। अरे सुनो रामू, ये भी भाई वर्मा, कल संध्या आ रही है, चाकू छुरियां सब छुपा देना, घर में ब्लेड भी नहीं दिखना चाहिए। अरे दाढ़ी वाड़ी क्या बड़ा रखी है, चलो जाओ साफ करो, साफ करो। दाढ़ी निकालनी ठीक है पर मुझे मत निकालना भैया। पुराने जमाने में औजार पेड़ों पे छुपाते थे, सुना था, तुम क्यों पेड़ पे छुपा रहे हो अभी? क्षमा करना पर जब भी संध्या आती है तुम सबको परेशान करता हूँ। आपने गांव के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? भैया बहन के साथ छोटी माँ भी आएंगी? संध्या को बचपन में ही छोटी माँ लेकर चली गई थी। संध्या कम से कम आती रही, छोटी माँ कभी नहीं आई। वो इस बार भी आएगी मुझे भरोसा नहीं। अरे बहन। भैया तुम कैसी हो बहन? छोटी माँ कैसी है? छोटी माँ भी आई है, आओ छोटी माँ, तुम भी साथ आई हो, बहुत खुशी की बात है। बात छोटे भैया, मेरी शादी तक तो रुक जाते, चट मंगनी पट भैया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्यों रे मोटू, बहुत दुबला हो गया? वैसे अब बहुत कम खा रहे हैं हम। चलो घर में कदम रखते ही मुझे बचपन की सारी बातें याद आ गई। अगर आप नारियल के पेड़ के ऊपर देखेंगी तो और कुछ याद आ जाएगा। अरे पैर क्यों दबा रहा है मेरा? चलो रुक क्यों गई, अंदर आओ ना। नहीं आऊंगी। क्या हुआ संध्या? आरती दिए बगैर घर की लक्ष्मी अंदर कैसे आएगी? बिल्कुल सही, हां भाभी आरती देकर ही अंदर ले जाएंगे। क्यों भाभी, तुम्हारा ही राज चलता है घर पे, तुम्हारी हर बात भैया मान लेते हैं, तुम्हारी हर हाँ में हाँ करते हैं भैया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तुम्हारी बात ही है तुम्हारे भैया के लिए। भैया। हाँ बहना। डैडी दोबारा जन्म लेकर फिर इस घर में आ रहे हैं। मतलब क्या भैया, नहीं समझे, तुम्हारे बेटे के रूप में आ रहे हैं। सिर्फ बातों में मत डाल देना, डॉक्टर हो ना, सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ठीक है भाभी, मैं देख लूंगी। वाओ सुपर भाभी, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ये सब तुम्हारे भैया की पसंद है। ये क्या यहाँ रख दिया तूने? भैया ये यहाँ कैसे? हाँ ये वो कह रहा, तुम्हारी भाभी पेट से है ना, सोते वक्त कहीं मेरा हाथ ना लग जाए इसके लिए इसको रखा। मतलब वंशधारा करके कोई व्रत है ना, वो व्रत है, बीच में इसको रख के सोएंगे ना तो तलवार जैसा बच्चा पैदा होगा। वो सब ठीक है, पहले इस तलवार को बाहर फेंको। ओके ओके, अब तो खुश हो ना, फेंक दी बाहर। अरे तू कहाँ चली, ये कहाँ से आ गया? तुम भी ना, सारे के सारे छुपा दिए, अगर अचानक कोई आ गया तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना हाथ में। तो मेरा हाथ कम है क्या? इस बार भी टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। जीजा जी, वीरा अपनी बहन के साथ मंदिर जा रहा है, बहन के होते हुए कुछ नहीं कर सकता है, उसे उड़ाने का यही सही मौका है। उतरो बहन। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते, नमस्ते। संध्या बेटी कैसी हो तुम? ठीक हो पंडित जी? हाँ ये जी? साड़ी भगवान के पास रख के अभिषेक करके बहन के हाथों से उन्हें दिलाइए। पंडित जी। हाँ बेटा। अभिषेक में कितनी देर लगेगी? 4-5 मिनट लग जाएंगे। क्या हुआ, कुछ दिखाई दिया क्या? उधर देखो। हमें भी पता है, उन्हें संभाल के आओ।
बचेंगे कैसे? आरती ले लो बेटा। संध्या बहन, तुम शादी करके शहर में सेटल हो जाओगी या यहाँ हॉस्पिटल खोल के मैं सुई लगाऊंगी? संध्या बहन के बारे में कुछ और बोला तो तेरा गला काट दूंगा। ए बड़ा है, ये तुम्हारे लिए नहीं, वीरा भैया के लिए। हाँ, इधर ले बे। अरे लोना सब। ए, तुमने बनाया क्या? मेरी बहन संध्या ने बनाया। ए, पूरा लेके आओ, पूरा लेके आओ। ले लो भैया। ए, पकड़ रही से। धोखे पास हम सब मंदिर गए हैं, ये बात प्रताप राठौर के आदमी को क्यों बताई? बोल बोल, माफ कर दो भैया, हमारे घर में रहते हुए हम इसे धोखा दिया। बोल क्यों बताई? बोल भैया, यहाँ बड़े भैया। क्या हुआ बहन? जल्दी नीचे आओ। क्यों संध्या, क्या हुआ? भैया ने क्या किया जानते हो तुम? जो मैं इस घर में नहीं देखना चाहती वही हो रहा है। एक आदमी को बुरी तरह मार रहा था, ये भी पिताजी की तरह हो गया है। बड़े भैया को देखो कितने शांति से रहते हैं, और एक तुम हो। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, जा रही हूँ मैं। बहन, वो आज के बाद किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, तो मेरी कसम खाने को अरे बोलो। वो तो बचपन में ही खाई थी ना। तुमने कसम खाई थी इसलिए तो नहीं खाई थी। आगे से कभी झगड़ा नहीं करेगा ऐसी तुम हामी दो, और इससे कहो तुम्हारे सर की कसम खा के ये बात बोलने के लिए। सोच क्या रहे हो, कसम खाओ। दिखता क्या है, कसम खा। संध्या, तुम टेंशन मत लो, मुझ पर हाथ रखकर कसम खाइए ना। अब इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। अब तो हंसो, हंसो ना, हंसो। ये क्या कसम तुमने क्यों ली? मुझे कुछ हो गया तो परवाह नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सच में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। मैंने सोचा था उसकी मौत की खबर लाओगे, लेकिन तुम तो ये बताने आए हो कि उसने तुम्हें मारा। पतिदेव, पैग में डालो तो पानी, शंख में डालो तो अमृत। उस वीरा को खत्म करके तुम मर्द बनोगे, दूसरों से मरवाओगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लोग कहेंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगी, इसीलिए। निमि, 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 पतिदेव, सुहागन बन के जा रही हूँ, सोचा होगा, मगर मैं दुश्मनी में जा रही हूँ। निमि को मार कर मेरी आत्मा को शांति दिलाना, कम से कम अब तो अपनी मर्दानगी दिखाओ। हम जब इनविटेशन देने के लिए गए थे तो सभी सवाल कर रहे थे वीरा के भाई के पास कितनी जायदाद है और उनकी हैसियत क्या है। छोटे भाई के नाम कोई जायदाद नहीं है। अच्छा, पूरी आपके नाम है? मेरे नाम पर भी कुछ नहीं है, ये घर भी नहीं है। ये क्या बात हुई, आपकी ये सारी जायदाद किसके नाम है? सेजल, जैसे ही हमने जवानी में कदम रखा हमने सारी जायदाद हमारी बहन के नाम कर दी। वीरा, छोटी माँ, आपने कहा था गांव वाले सोचेंगे आपने हमारी जायदाद छीन ली, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दिन देखकर ये पेपर्स आपको देने की सोच रहा था, इससे बढ़िया दिन और नहीं हो सकता, ये लीजिए। गांव में सब तुम्हें भगवान का रूप मानते हैं, भगवान तो मंदिर में होता है, जनता के बीच कहाँ होगा सोचा था मैंने, पागल थी मैं। भगवान हर इंसान में हो सकता है, आज तुम्हें देख के जाना मैंने, तुमने मेरी कोख से क्यों नहीं जन्म लिया, मुझे दुख है। असल में ये जायदाद तुम्हारी है, पूरी मेरी बेटी को दे दोगे फिर तुम्हारा क्या? सासू माँ, मेरी जायदाद मेरे पति और इनकी मूछें हैं। देखा तुमने, ये है वीरा, ऐसे घर में हमारी बेटी बहू बन रही है तो ये हमारी खुशकिस्मती है, क्षमा कीजिए। ए बड़बोले, क्या गड़बड़ है? क्या है? कैसा था और कैसा हो गया? शेर का जबड़ा पकड़ के उसकी मूछें निकाल लेने वाला कितना बदल गया, आखिर ये सब क्यों छुपाना? सारी बातें संध्या बहन को बता देते। बड़बोले,
कहा संध्या बहन एक बात बताओ ले चलो जब तक शादी ना हो जाए तो इसमें पड़ा रहे क्या है संध्या क्या हुआ बड़ बोला कहीं नजर नहीं आ रहा उसे किसी काम से भेजे तुम बताओ ना मैं हूँ पहले मैं बैटिंग करूंगा तो मैं बॉलिंग करता हूँ अरे यहाँ तो एक ही विकेट है यार इसको उठा के वहाँ रखेंगे इसे रखने में हेल्प करो क्या रबर बॉल नहीं है क्या नहीं कॉर्क की बॉल है इसी से खेलते हैं चलो आओ अरे वो देखो बॉल ही गिर गई जल्दी क्यों जा रही हो बहना कुछ और दिन रह जाए तो हमें भी अच्छा लगता मेरा भी मन नहीं है जाने का लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स है ना नहीं तो फर्स्ट नाइट पे भैया को रुला के बहुत सता दिए ऐसी फर्स्ट नाइट हम तरस खा कर इन्हें 5 मिनट झेलते हैं और हमें 9 महीने झेलना पड़ता है शर्म नहीं आती क्या तुझे आती है क्या एक दूंगी ना एक हफ्ता और रुक जाती बहन अरे बेटा एग्जाम के बाद यहीं पर तो आना है इसे इसका मतलब तुम नहीं आ रही हो क्या आज से बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी जीना मरना यहीं पर बेटे के साथ ही रहूंगी आज से हम तुम्हें माँ के घर बुलाएंगे बाय सुनिए चले गए क्या अरे बेटी घर में आते वक्त लड़की को आरती देनी चाहिए तुम जाते वक्त आरती दोगी तो घर की लक्ष्मी साथ ले जाएगी नहीं आरती तो उन्हें देने आई थी माँ जी जब भी बाहर जाते हैं आरती देकर ही भेजती हूँ सुनो भैया छोटे भैया पर नजर रखो पता नहीं क्यों मुझे उसके लिए बहुत डर लगता है तुम बिल्कुल मत डरो मैं देख लूंगा ध्यान से जाना बहन एग्जाम्स अच्छे से लिखना ओके चलो रे भैया मीरा, मीरा, से, माँ, सेजल, से,
सेजल को बचाओ, उसे बचा लो, वो पेट से भी है। सेजल को बचाओ। चलो अस्पताल चलते हैं, चलो। श्रृंगारपुर की सीता अब भी तुमसे प्यार करती है क्या? तुम शादी कर लोगे? वीरा, हम दोनों फिर से लव करें क्या? मुझे कुछ भी हो जाए परवाह नहीं, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो बर्दाश्त। तुम्हें कुछ नहीं होगा सीता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम जब भी बाहर जाते हो मैं कुमकुम का टीका लगाती थी, आज ये टीका आखिरी बार लगा रही हूँ। संध्या बहन ने अपने लोगों को मरते अपने आंखों से देखा था। झगड़ों से नफरत करने वाली संध्या वीरा से दूर हो गई। अपने पिता से जो वादा किया था उसे निभाने के लिए संध्या का वचन तोड़ा वीरा ने, ये संध्या समझ नहीं पाई। वो भी दिन थे जब वीरा के लिए प्रतीक्षा करते थे सब, लेकिन 7 साल जेल काट कर आए वीरा से बात तक नहीं की उसकी बहन संध्या ने। उसका कोई क्यों नहीं है, मैं हूं ना। इतने भले आदमी के लिए जिंदगी भर इंतजार करूंगी। एसीपी शाम की लड़ाई में जिस सिक्योरिटी मैन वीरा ने उन्हें बचाया, उस वीरा का ऑपरेशन श्याम जी की पत्नी डॉक्टर संजना ने 3 घंटे तक करके उसे बचा लिया है और अब वो खतरे से बाहर है। भाई को बचा लिया उसकी बहन ने, मैं जिंदा हूँ ये जाने बगैर। वो बच गया है वीरा। हेलो, कहाँ है वीरा? कहाँ है तुम? कहाँ है वीरा? बता, कहाँ है वीरा? वीरा, ऐसा क्या चल रहा है? वीरा, कहाँ है तू? वीरा, हेलो, तू आ गया? भाग गया क्या? भागने वाला कोई डरपोक समझ के रखा है मुझे? मर्द हूँ मैं। कहाँ है बे, बता। अगर उस दिन मैं पीछे मुड़कर देखता तो अब ये बात नहीं बोलते तुम। तुमने मेरे लोगों को जहां मारा था वहीं पर हूं मैं। आ जाओ, आ जाओ। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। आ।
तुम्हारे अपनों की जान लेने वाली तलवार है। तेरी बीवी के पेट में बच्चे को खत्म किया इसी तलवार ने। 7 साल से तेरी गर्दन काटने का इंतजार कर रही है तलवार। जान बचा के भागा था लेकिन अभी तक अकल नहीं आई। तुम तलवार पर भरोसा करते हो और मैं इस मिट्टी पर। धर्म की रक्षा करने वाले मेरे पिताजी की जगह है ये। ओए! तेरे जैसे राक्षस को जिंदा छोड़ दूंगा तो भगवान की मूर्ति बनाना लोग छोड़ देंगे। ओए! हॉस्पिटल से भाग जाता तो शायद बच जाता। मुझे यहाँ बुलाकर मौत को पुकारा है तूने। तुझे बुलाया मरने के लिए नहीं, तेरी मौत देखने के लिए। Let it dance with me right now.
सोनी मस्त कुड़ी है, आग तुझसे लड़ी है, आज कुड़ी नाल मेरे डांस कर ले। Let it dance with me right now.